गुड मॉर्निंग बच्चों, हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे थे जिसमें हमने फ्रंट एंड इंटरफेस के भी टाइप्स, जो चार टाइप्स के होते हैं, कमांड लाइन, मेन्यू ड्रिवन, ग्राफिकल एंड टच स्क्रीन पढ़ लिया था। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे बैक एंड डेटाबेस या बैक एंड इंटरफेस। ठीक है, बैक एंड पे कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता है। बैक एंड बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बैक एंड और फ्रंट एंड का कनेक्शन किया जाता है ताकि जो फ्रंट एंड पे इंफॉर्मेशन यूज़र लेता है या देता है, जो भी ट्रांजेक्शन फ्रंट एंड पे होते हैं उन पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा सके। तो बैक एंड का मेन पर्पस या मेन यूज़ क्या है कि इस पे डेटा सेव हो सके। बैक एंड से कभी भी यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है वाया फ्रंट एंड। बैक एंड से कॉन्टेक्ट करते हैं लेकिन डायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट सिर्फ फ्रंट एंड से करता है, बैक एंड पे सिर्फ डेटा स्टोर होता है। तो आज हम बैक एंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बैक एंड डेटाबेस इज़ अ डेटाबेस दैट इज़ एक्सेस्ड बाय यूज़र इनडायरेक्टली थ्रू एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन रादर देन बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग स्टोर्ड विद इन द डेटाबेस इटसेल्फ और बाय लो लेवल मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। अ बैक एंड डेटाबेस स्टोर्स डेटा बट डज नॉट इंक्लूड एंड यूज़र एप्लीकेशन एलिमेंट्स सच एज स्टोर्ड क्वेरी फॉर्म्स मैक्रोज और रिपोर्ट्स। द बैक एंड समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इज डेटाबेस सर्वर। बैक एंड डेटाबेस हमेशा इनडायरेक्टली यूज़र इंटरेक्ट करता है, कभी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। ये हमेशा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है ना। बैक एंड में हमेशा डेटा स्टोर होता है। जैसा मैंने आपको फ्रंट एंड पढ़ाते टाइम एक एग्जांपल दिया था कि जब भी आप कोई ऐप चलाते हैं या किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आती है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपकी फ्रंट एंड कहलाती है। लेकिन उस स्क्रीन के ऊपर, उस ऐप के ऊपर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो जहाँ स्टोर होगी उस प्लेस को हम बैकएंड बोलते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे ही स्टोर होती है। इसीलिए समटाइम्स हम इसको डेटाबेस सर्वर भी कहते हैं, क्योंकि इस पे हमारा सारा डेटाबेस स्टोर रहता है। इसीलिए बैकएंड को कई बार हम डेटाबेस सर्वर के नाम से भी जानते हैं या बुलाते हैं। क्लियर। हिंदी में इसकी एक डेफिनेशन है, एक बैकएंड डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। बजाय डेटाबेस के भीतर संग्रहित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या डेटा के निम्न स्तर के हेरफेर द्वारा, एक बैकएंड डेटाबेस डेटा संग्रहित करता है लेकिन इसमें अंतिम उपयोगकर्ता मतलब एंड यूज़र एप्लीकेशन तत्व जैसे संग्रहित क्वेरीज फॉर्म मैक्रोज या रिपोर्ट शामिल नहीं होते हैं। बैकएंड को कभी कभी डेटाबेस सर्वर भी कहा जाता है। बैकएंड को कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट इसको डेटाबेस सर्वर के नाम से ही जाना जाता है। डेटाबेस जो बैकएंड डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइन करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जितना इस डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम कर सकें, उसमें हम डेटा मैनिपुलेशन आसानी से कर सकें, डेटा एनालिसिस आसानी से कर सकें, या जो भी उसमें डेटा मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी हम यदि टास्क उस पर करना चाहते हैं तो वो इतना हमारा डेटाबेस कैपेबल हो कि हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें। इसी तरीके के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती है जिससे हमारा एक बैकएंड डेटाबेस अच्छा डेटाबेस कहलाता है। तो वो देखते हैं। फर्स्ट है, इट शुड यूज़ मल्टीपल टेबल्स फॉर स्टोरिंग डेटा। इसमें डेटा स्टोर करने की कई तालिकाओं का उपयोग करना चाहिए। देखो, जब डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है तो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें मल्टीपल टेबल्स हम स्टोर कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही टेबल स्टोर करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा सिस्टम है।
उसमें कितने लोगों के रिज़र्वेशन हो रहे हैं, कितने लोगों के कैंसिल हो रहे हैं, कितनी सीट अवेलेबल हैं, कितनी अवेलेबल नहीं है, कौन सी ट्रेन का क्या टाइम है, कितना स्टॉपेज है, मतलब कितना सारा डेटाबेस है वो, उसको अलग अलग टेबल्स के रूप में ही स्टोर किया जा सकता है कि हाँ एक टेबल हमने रिज़र्वेशन जितने हुए हैं उतने की बन गई, फिर उसके बाद एक टेबल हमारी जितने रिटर्न के रिज़र्वेशन है उनकी, मल्टीपल टेबल्स के फॉर्म में ही उसमें बड़े डेटाबेस में डेटा स्टोर हो सकता है। इसीलिए जो अच्छा डेटाबेस होता है उसमें डेटा स्टोर करने के लिए मल्टीपल टेबल्स ही होती हैं, मल्टीपल टेबल्स का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टेबल्स इन द डेटाबेस शुड बी क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं और उन रूल्स के द्वारा ही हम एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो अच्छा डेटाबेस डेटाबेस है उसमें हमेशा कंस्ट्रेंट का यूज़ करना चाहिए हमें टेबल पे। डेटाबेस में तालिकाओं का उपयोग करके तालिकाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। डेटाबेस में जो कंस्ट्रेंट हैं उनका उपयोग करके ही तालिकाएं, यानी कि टेबल, हिंदी में तालिकाएं बोलते हैं उनको, टेबल में हमेशा कंस्ट्रेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कीज़ ऑफ टेबल मस्ट बी डिफाइंड। हमेशा टेबल क्रिएट करते टाइम बहुत सारी कीज़ हम डिफाइन करते हैं, लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, रेफरेंस की, इन सबको कीज़ की मदद से ही हम एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं, अच्छा बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट शुड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। हमारा डेटाबेस जिस समस्या का समाधान के लिए बनाया गया है, जिस उपयोग के लिए बनाया गया है, वो हमारी सभी आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा करना चाहिए, या हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, तभी हमारा डेटाबेस एक बेस्ट अच्छा डेटाबेस कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इसके अलावा भी हम कुछ डेटाबेस में छोटे लेवल पे डेटाबेस बनाते हैं जिसको हम स्मॉल डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। कुछ डेटाबेस हैं जो बहुत बड़े लेवल के लिए बनाए जाते हैं जिनको हम इंटरप्राइज डेटाबेस सिस्टम कहते हैं, जिनमें हमें कम डेटा स्टोर करना है, जिनका यूज़ कम है, जिनका पर्पस कम है, उसको हम स्मॉल डेटाबेस सिस्टम से डिनोट करते हैं। और जिनको यूज़ ज़्यादा है, जैसे कि हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा डेटाबेस, बैकएंड डेटाबेस का एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, तो इस टाइप के डेटाबेस को हम एंटरप्राइज डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा डेटाबेस का जब हम डिज़ाइन करते हैं, बैकएंड डेटाबेस का जब डिज़ाइन करते हैं, तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम डेटाबेस लाइफ साइकिल कहते हैं। और उस लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जैसे आईटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के स्टेप्स होते हैं, वैसे ही बैकएंड डेवलपमेंट के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।